आज हम आपसे ये बात करेंगे कि जब लाइट ग्लास स्लैब से पास करती है तो कैसे बेंड होती है और कौन कौन से फिनोमेने होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्लास स्लैब बना लिया, ठीक है। ये कौन सा मटेरियल है? एक ग्लास है और उसका रेक्टेंगुलर स्लैब है और लाइट हमने यहाँ पर इंसिडेंट की। तो ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है। मोनोक्रोमैटिक मतलब, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर, मतलब सिंगल कलर की लाइट को हमने ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट किया। इस जगह पे हम बनाएंगे नॉर्मल, ये बनेगा नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसको बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए बाहर एयर है, अंदर ग्लास है, मतलब ये रेरर मीडियम और ग्लास डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेरर से डेंसर में जाती है तो किधर बेंड करती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेरर टू डेंसर, किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट ऐसे ना जाकर, ऐसे ना जाकर, ये जाने की इसका रास्ता था लाइट का, ऐसे इसको जाना चाहिए था, ऐसे ना जाकर बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर लाइट दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक की और यहां पे फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया नॉर्मल। अब आप ध्यान से देखिए, ये एंगल आर, तो ये एंगल भी कितना होगा? आर, हाँ ये दिखाई पड़ रहा है ऐसे, ये एंगल आर तो ये एंगल आर, ऐसे होता है, ये एंगल आर तो ये एंगल आर। अब इसी को पलट कर ऐसे रख दीजिए, इसी को पलट कर ऐसे रख दीजिए, दिखाई पड़ रहा है तो ये एंगल आर तो ये भी आर। अब लाइट ग्लास से जा रही है एयर में, मतलब डेंसर से रेरर मीडियम में। जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है। तो लाइट नॉर्मल से अवे बेंड हुई इस तरह से, कुछ ऐसे जानी चाहिए थी, कुछ ऐसे बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एक बड़ा खास फिनोमेना हमने देखा कि ये एंगल जो है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस कैसे इमर्ज की? एंगल ऑफ इमर्जेंस। हमने एक बड़ा खास फिनोमेना देखा कि एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के एकदम बराबर आया, आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू ई। ऐसा होने से ये लाइट रे और ये लाइट रे आपस में पैरेलल हो गई। मतलब अगर स्लैब ना होता तो लाइट इस रास्ते से जाती और स्लैब के होने की वजह से लाइट इस रास्ते से गई, पर अभी भी जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे, वो अभी भी इंसिडेंट रे के पैरेलल है। मतलब ग्लास रे ऑफ लाइट को सिर्फ और सिर्फ पैरेलल शिफ्ट करता है। क्या करता है? पैरेलल शिफ्ट। इस रे ऑफ लाइट को दबाया, फिर इधर घुमा दिया, लाइट पैरेलल शिफ्ट हो गई। ग्लास नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती, ग्लास है तो ऐसे। सो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये हमें किसमें देखने को मिलता है? ग्लास स्लैब में लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो ये एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें मिला। कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट है? डायग्राम में दिख रहा है लाइट ऐसे जानी चाहिए थी पर ऐसे निकल गई, इतना शिफ्ट हो गई। इतनी लेंथ को हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो लेंथ है, इस लेंथ को बोल दो एल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जब ग्लास स्लैब में होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स जिन पे ये डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, इस बारे में बात करें। इसको हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब देन द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड बट लेटरली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट और parallelly shifted from it, इसको बोलते हैं lateral displacement. What is lateral displacement? The distance between incident ray produced forward and the emergent ray is called lateral displacement. अब बात आई कि ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो lateral displacement डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस
उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलेंगे जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज़ ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पे। अब ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज़्यादा, लाइट उतना ज़्यादा बेंड होगी, जितना बेंड होगी उतना शिफ्ट होगी, मतलब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तीसरी चीज़ ये डिपेंड करता है थिकनेस पे। आप जितना बड़ा ग्लास ले लोगे, जितना बड़ा ग्लास ले लोगे शिफ्टिंग उतनी ज़्यादा हो जाएगी। सो मोर इज़ द थिकनेस ऑफ स्लैब, मोर इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और जितनी ज़्यादा थिकनेस, थिकनेस ये है थिकनेस, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब उतनी ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अलग अलग कलर ऑफ लाइट को अगर हम ले तो सबसे ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन से कलर ऑफ लाइट का होगा। तो इसको याद रखिएगा कि वायलेट कलर का लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा, वायलेट हैज मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ, ये आप स्पेक्ट्रम में पढ़िएगा कि वायलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, मिनिमम। जितनी छोटी वेवलेंथ उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक चौथा फैक्टर भी है जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वेवलेंथ जितनी छोटी लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा। तो आई एन टी पे सीधा सीधा बढ़ाने पे बढ़ेगा और वेवलेंथ कम करने पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। सो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ग्लास स्लैब के अंदर होता है सबसे ज्यादा वायलेट कलर के लिए। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। और ये उनके फैक्टर्स हैं।